हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष। आप देख रहे हैं टेक्निकल लक्ष यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ व्हाट्सएप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे फिंगर लगाता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। बिल्कुल एक हाई सिक्योरिटी लगी हुई है फिंगरप्रिंट की। तो आप कैसे इस व्हाट्सएप में अपनी फिंगरप्रिंट का लॉक लगा सकते हो, यही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, तो जब भी आप समझ पाएंगे ये व्हाट्सएप वाला फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर बिना वक्त ज़्यादा ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई मेरी इस वीडियो पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो पे मेरी गिव है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को प्ले करके फुल वॉच करके यहाँ पे कमेंट वगैरह कर देना, नंबर के साथ लाइक करके गिव में पार्टिसिपेट कर लेना। 7-8 बजे इस वीडियो पे गिव दे दूँगा। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड यहाँ पर एक आइकन बेल बन जाएगी, तो आइकन बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे पर्पज़ से वीडियो डालता रहता हूँ, ताकि आप समय पे वीडियो को देख के एंड यहाँ पे अच्छी खासी एक नॉलेज टैक्स से रिलेटेड ले पाए। तो यहाँ पे हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल भाई आप भी लगा सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो। तो एंड में आपको बता देता हूँ फिंगरप्रिंट आपको इसमें लॉक लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। आपको करना है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन, एंड जो आपने ऑलरेडी एक प्ले स्टोर से जो आप व्हाट्सएप ओपन करते हो उसको ऐसे ही एजिटिक रहने देना जैसा है, आपको कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको लिखना है, मैं दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप बीटा वर्जन। तो आपको ये टाइप करना है गूगल अपने क्रोम ऐप में जाके, और उसके बाद ये लिखने के बाद आप यहाँ पे आके सर्च कर देना। सर्च करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यानी कि एक वेबसाइट आएगी, तो इस लिंक पे आपको करना है क्लिक। एंड जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी वेबसाइट ओपन। तो यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे करना क्लिक। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा, नीचे ही आपको एक डाउनलोडिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है टाइम, यहाँ हम कर लेते हैं वेट एंड नोटिफिकेशन आने का। तो यहाँ पे देखिए अब सर्च हो रहा है, एंड आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जहाँ पे आपका नॉर्मल वाला ये व्हाट्सअप होगा, जैसे कि मेरा ये था नॉर्मल था, मैंने अपडेट बीटा वर्जन में कर लिया है, तो उसके बाद क्या करना होगा आपको व्हाट्सअप को अपने करना होगा ओपन। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद सीधा आपको जाना है 3 लाइन्स पे, तो भाई 3 डॉट्स पे इसको क्लिक करना। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जाना सेकंड वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आएगा सीधा अकाउंट वाला ऑप्शन। तो जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आपको 3-4 फंक्शंस दिख जाएंगे। तो आपको मेरे भाई प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल भाई यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे आने के बाद, फिंगरप्रिंट लॉक। तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक करना है, एंड फिंगरप्रिंट पे लॉक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र दिखाई देगा। तो अभी मैंने फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा था, अभी मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट को ऑन यानी कि अनेबल करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी फिंगर स्कैन करने के लिए मांगेगा। तो आपको अपनी स्कैनर पे फिंगर को स्कैन करना है, जैसे कि मैंने करा, और यहाँ पे देखिए लग चुका है। एंड जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ, फिंगरप्रिंट मांग रहा है, एंड फिर लगा देता हूँ, एंड फिर मिनिमाइज़ करता हूँ, फिर लगाता हूँ, देखो फिर फिंगर मांग रहा है। तो बिल्कुल लग चुका है भाई, और बार बार मांग रहा है। अगर आप चाहते हो यार बार बार मैं फिंगर नहीं लगाना चाहता, मैं व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भाई यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि इंस्टेंट लॉक लगे बार बार, तो आप आफ्टर 1 मिनट का टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ आफ्टर 1 मिनट पे, तो सिंपली जैसे मैंने इसे मिनिमाइज़ करा तो ओपन करा, यहाँ पे इसने मेरे से लॉक नहीं मांगा। तो बिल्कुल भाई 1 मिनट का लॉक लगा सकते हो, बढ़िया है। एंड देखिए फिर उसके बाद जैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा ही मतलब दिन भर ही व्हाट्सअप पे लगे रहते हो, तो अब ये 3rd वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, आप इसे यूज़ करना आफ्टर 30 मिनट का। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आपसे 30 मिनट से पहले आपसे आपकी फिंगर स्कैन करने के लिए नहीं बोलेगा। तो सिंपली आशा है कि आई होप आप इन 3 ऑप्शन का मतलब समझ गए होगे
कि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिए गए हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे फ़ोन पे फिंगरप्रिंट तो लॉक लगाए एंड मेरी कोई नोटिफिकेशन शो ना हो लॉक लगने के बाद, तो सिंपली आप कोई इस ऐसे क्लिक कर देना लेफ्ट हैंड पे, जब ये वाइट हो जाएगा तो बिल्कुल भाई यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन हाइड हो गई है। और अगर आप चाहते हैं मेरी नोटिफिकेशन हाइड ना हो, लॉक पे भी मेरे को दिख जाए, तो आप बिल्कुल ग्रीन कर देना, तो यहाँ पे आपकी फिंगर यानी कि जितनी भी मैसेज की नोटिफिकेशन होंगी वो ऑन हो जाएगी। तो भाई आशा करता हूँ आज का ये यानी कि जो व्हाट्सएप की तरफ से एक नया यानी कि फंक्शन कह सकते हैं हम कि नया फंक्शन निकल के आया जो कि फिंगरप्रिंट लॉक पे वो करता है, तो जो मैंने आपको बताया है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऑफकोर्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट कर देना दबा के वीडियो को फुल वॉच करना एंड जब भी आप व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लगा पाएंगे। अगर आपको इस व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट को लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अगली वीडियो का करें इंतज़ार। और मेरी इससे पहले वाले वीडियो में आप दिव्य पार्टिसिपेट कर लेना क्योंकि 7 से 8 बजे पे आपको पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहें एंड बोलते रहे, सीखते रहे। जय हिंद।